हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डीके गंगवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पर। तो साथियों, मैं आज यहां पर एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूं जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सैम सेकंड के बच्चे हैं, एमजीपी आर यूनिवर्सिटी बरेली से जो लोग कर रहे हैं। वैसे तो अब बेसिकली ये जो हमारा सिलेबस है वो यूनिफाइड सिलेबस है, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का सिलेबस लगभग समान कर दिया गया है। फिर भी मेनली मैं यहाँ पे एमजीपी के बच्चों को बताना चाहूँगा जो सैम सेकंड के, उनको ट्रीडोफाइटा जो उनका है सेकंड सैम में, उसके हम आज जनरल करेक्टर और उसके ओरिजिन के बारे में बताएंगे कि ट्रीडोफाइटा की ओरिजिन किस तरह से हुई थी और ट्रीडोफाइटा वर्ड्स कहाँ से लिया गया है या ट्रीडोफाइटा की डेफिनीसन क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं साथियों, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इस सेशन को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। तो हम बात करते हैं ट्रीडोफाइटा की, कि ट्रीडोफाइटा जो वर्ड है वो एक ग्रीक टू वर्ड से मिलकर बना है। तो इसमें ट्रीडोफाइटा जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे ग्रीक वर्ड है पिटेरॉन, तो पिटेरॉन मीन्स होता है फीदर, और फाइटॉन मीन्स होते हैं प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स फीदर लाइक दिखाई देती हैं उनको हम लोग ट्रीडोफाइट्स कहते हैं। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रिमेटिव सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स एंड हैव नाइदर फ्रूट्स नॉर सीड। यानी कि ये जो प्रिमेटिव प्लांट्स होते हैं ट्रीडोफाइट, ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वैस्कुलर प्लांट्स मीन्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम बेल डेवलप पाया जाता है, दैट रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, एंड हैव नाइदर फ्रूट्स और नॉर सीड्स, और इनमें ना तो फ्रूट्स बनते हैं और ना ही सीड्स बनते हैं, अर्थात ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। ट्रीडोफाइटा वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले एक हेकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 में इस वर्ड को दिया था, कॉल्ड दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स ट्रीडोफाइट्स। यानी हेकल नाम के साइंटिस्ट ने इस प्लांट्स के ग्रुप्स को जो था ट्रीडोफाइट्स कहा था। तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रीडोफाइट्स वर्ड्स किसने दिया था या ट्रीडोफाइट्स की डिस्कवरी किसने की, तो उसका आंसर होगा आपका हेकल। क्लियर। बिकॉज ऑफ देयर पिन्नेट और फीदर लाइक फ्रॉन्ट्स, और उन्होंने इसको किस बेस पे नाम दिया था ट्रीडोफाइट्स, क्योंकि इनमें पिन्नेट और फीदर लाइक फ्रॉन्ट्स पाए जाते हैं। पिन्नेट होते हैं थोड़े से नुकीले, और फीदर लाइक मैंने बताया आपको जो पंखों के आकार के होते हैं, फ्रॉन्ट्स माने होते हैं लीव्स। इन्होंने लीव्स को फीदर लाइक और पिन्नेट फॉर्म में पाए जाने की वजह से इन प्लांट्स को ट्रीडोफाइट्स कहा था। ठीक है। लाइक रेप्टाइल्स फर्स्ट रूलेंट एनिमल्स दैट इवॉल्व आफ्टर एम्फीबियंस। ये रेप्टाइल्स की तरह ओरिजिनेट हुए थे, फर्स्ट रूलेंट एनिमल्स दैट इवॉल्व आफ्टर एम्फीबियंस, एक ट्रू लैंड एनिमल्स की तरह आफ्टर एम्फीबियंस, एम्फीबियन के बाद। तो एम्फीबियंस कौन थे? हमारे ब्रायोफाइट थे। आप लोग जानते होंगे कि ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम से नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो ओरिजिन हुआ था ट्रीडोफाइट का, वो ब्रायोफाइट के बाद हुआ था। क्लियर। ट्रीडोफाइट्स आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रूलेंट प्लांट्स। ट्रीडोफाइट्स को कंसीडर किया गया था फर्स्ट रूलेंट प्लांट के फॉर्म में, दैट इवॉल्व आफ्टर ब्रायोफाइट। जिनका ओरिजिन कब हुआ था या इवोल्यूशन कब हुआ था? ब्रायोफाइटा के बाद। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये वर्ड जो है मैं आपके नीचे दिखा रहा हूँ ये अंडरलाइन करके, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है या ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है। तो दोनों का आंसर एक ही है, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, और एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। क्लियर। हैंस ट्रीडोफाइट्स आर समटाइम कॉल्ड बॉटनिकल स्नैक्स। यानी कि इस तरह से ट्रीडोफाइट्स को भी कुछ समय कहा जाता है बॉटनिकल स्नेक, वनस्पति के सर्प। क्यों कहा जाता है? या स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, इनको प्लांट किंगडम का स्नेक कहा जाता है, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीपिंग हैबिट को शो करते हैं, रेंगने वाली हैबिट को शो करते हैं। जिस तरह से सर्प जो है रेंग के चलता है ज़मीन पे, तो उस तरह से इनकी हैबिट पाई जाती है। तो इसीलिए इनके प्लांट्स को बॉटनिकल स्नेक और स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्लियर। समटाइम दे आर आल्सो रेफर टू एस एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। कुछ साइंटिस्ट या कुछ बॉटनिस्ट इनको
रेफर करते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। क्यों कहते हैं वो लोग? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसे बॉटनिकल स्नेक कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे तो वर्ड आ रहा है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इस बेस पे कहा गया था क्योंकि बिकॉज दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन जस्ट लाइक ब्रायोफाइट। जिस तरीके से ब्रायोफाइटा अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के सोर्स पे डिपेंड रहता है, सेम उसी तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए इनको भी वाटर नेसेसरी होता है, तो उसी बेस पे इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्लियर? देयर आर अबाउट 12,000 स्पीसीज ऑफ लिविंग प्रीडोफाइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, एलटी ग्रेड में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, पीएचडी एंट्रेंस में पूछा जाता है, जो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एमएससी एंट्रेंस, जैसे जेएनयू है, बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर जो एंट्रेंस होते हैं एमएससी बॉटनी के लिए, एमएससी बायोटेक के लिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से कि हमारी जो ब्रायोफाइटा की, वो सॉरी ट्रेडोफाइटा की जो स्पीसीज़ हैं, लिविंग स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, उनकी संख्या जो होती है बेटा 12,000 होती है। तो देयर आर अबाउट 12,000 स्पीसीज ऑफ लिविंग ट्रेडोफाइट रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स टू जेंट ट्री फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे से एक्वाटिक से लेकर जेंट ट्री मतलब विशालकाय वृक्ष के रूप में होते हैं, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड इस चीज़ को बताता है दैट दे इवॉल्व अबाउट 400 मिलियन ईयर बैक। यानी कि इनका जो ओरिजिन हुआ था, फॉसिल रिकॉर्ड कुछ मिले उनके बेस पे बताया गया है कि इनका जो ओरिजिन हुआ था वो अब से 400 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, अर्थात इन द सिल्वरियन पीरियड। आपसे ये क्वेश्चन कई बार बेटा पूछा जाता है अच्छे कंपटीशन में कि ट्रेडोफाइट किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे या इवॉल्व हुए थे, तो आप ध्यान रखेंगे ये सिल्वरियन पीरियड ऑफ द लेट पेलियोजिक इरा। तो लेट पेलियोजिक इरा का सिल्वरियन पीरियड था जिसमें ट्रेडोफाइटा का ओरिजिन हुआ था या इवोल्यूशन हुआ था। हैंस लेट पेलियोजिक कैन बी रिगार्ड एज एज ऑफ ट्रेडोफाइट। यानी कि जो हमारा लेट पेलियोजिक इरा था उसी को हम लोग कहते हैं एज ऑफ ट्रेडोफाइट। तो ये एज ऑफ ट्रेडोफाइट किस इरा को कहा जाता है, तो आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से कि पेलियोजोइक इरा को एज ऑफ ट्रेडोफाइट कहा जाता है। क्लियर? अब हमने अभी तक तो बेटा आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट और ओरिजिन के बारे में बताया ट्रेडोफाइट के, और ट्रेडोफाइट बर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनको किस किस नाम से पुकारते हैं, किस साइंटिस्ट ने ट्रेडोफाइट कहा था और किस बेस पर ट्रेडोफाइट कहा था, ये सारी बातें मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग जो बात करते हैं बेटा मेनली करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रेडोफाइटा की करते हैं कि इनके प्लांट्स जो होते हैं उनके क्या क्या करेक्टर पाए जाते हैं उनमें, या उनकी मेन क्या विशेषताएं होती हैं, उन फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। पहला करेक्टर है द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। यानी कि ट्रेडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी स्पोरोफाइट की बनी होती है। तो जो स्पोरोफाइट होता है बेटा वो डिफरेंटिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। यानी कि ट्रेडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो मेनली तीन भागों में बटी होती है, रूट स्टेम एंड लीव्स। इससे पहले आप लोगों ने एलगी पढ़ा होगा, फंजाई पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमेशा एक वर्ड आता है कि इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस होती है। तो थैलस की प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट स्टेम में डिफरेंटिएट नहीं होती है, लेकिन यह सीधे बोला गया है प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक डिफरेंटिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि इनका जो प्लांट बॉडी होगा वो तीन भागों में बटा हुआ होगा। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। ट्रेडोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है, जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट पे इंडिपेंडेंट रहता है, यानी स्वतंत्र फॉर्म में वहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट दे सो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म साइज एंड हैबिट। यानी कि ये शो करते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन शेप में, साइज में, हैबिट में। दे रेंज फ्रॉम स्मॉल, इनकी जो रेंज होती है वो स्मॉल भी होती है, एनुअल्स, कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल्स होते हैं, एनुअल मतलब एक वर्षीय। एनुअल्स में देखो कौन सा होता है, जैसे एजोला है, साल्विनिया है, ये एनुअल्स प्लांट्स होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। लार्जर ट्री या लार्ज ट्री लाइक पेरेनियल्स, और ये बहुवर्षीय होते हैं जो कई वर्ष तक चलते हैं,
इनका जीवन कई कई साल का होता है, उनमें एग्जाम्पल है एंजियोपिटेरिस और ऑस्मंडा। क्लियर? तो आप इन लोगों को ध्यान रखेंगे इन बातों को कि एनुअल स्पीसीज कौन सी हैं और इसकी पेरेनियल स्पीसीज कौन सी हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अगला है करेक्टर, मोस्ट ऑफ द लिविंग ट्रीडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, यानी अधिकतर जो ट्रीडोफाइट्स होते हैं या ट्रीडोफाइट के प्लांट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। ग्रोइंग इन मोस्ट एंड सैडी प्लेसेस, और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, मोस्ट मतलब नमी वाले स्थानों पर जहाँ पे पानी की मात्रा होती है, या किसी नदी के किनारे जहाँ सीलन होती है, या तालाब के किनारे या खाई के किनारे, तो उसको हम बोलते हैं मोस्ट एंड सेडी प्लेसेस, छायादार स्थान। तो नमी वहीं होगी जहाँ छाया होगी, जहाँ डायरेक्टली सनलाइट आएगी वहाँ तो मॉइस्चर होगा नहीं, वहाँ तो ड्राइनेस हो जाएगी। तो ये प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं और मोस्ट एंड सेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। सम मेम्बर्स एग्जाम्पल एजोला, आइसोइट्स, मार्सीलिया, साल्विनिया आर एक्वाटिक। ये जितनी भी स्पीसीज हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब पाई जाती हैं एक्वाटिक फॉर्म में, यानी जलीय फॉर्म में, यूजली ऑकरिंग इन परमानेंट पॉन्ड्स। और ये परमानेंट पॉन्ड्स तालाबों में पाई जाती हैं। ए फ्यू स्पीसीज आर जीरोफिटिक, इनकी कुछ स्पीसीज होती हैं जीरोफिटिक भी होती हैं, मतलब जहाँ पे शुष्क अवस्था होती है वहाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, ये स्पीसीज कई बार बेटा एग्जाम में पूछी गई सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस वाली, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि बहुत कम एग्जाम्पल हैं जो जीरोफिटिक होते हैं ट्रीडोफाइटा के। अगला है सिलेजिनेला लेपिडोफिला, अगला है सिलेजिनेला डेंसा एक्विसीटम अर्बेंस। तो ये सारी स्पीसीज जो होती हैं हमारी जीरोफिटिक होती हैं, जो वाटर की अब्सेंस में भी ग्रो कर जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा फोर करेक्टर है, प्राइमरी रूट्स आर इफीमेरल एंड आर सून रिप्लेस्ड बाई एडवेंटेटियस रूट्स। उसकी जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो इफीमेरल होती हैं, आर सून रिप्लेस्ड, जो किसकी जगह पाई जाती हैं, एडवेंटेटियस रूट्स की जगह पे पाई जाती हैं। द रूट हैज़ ए परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स, और ये रूट जो होती हैं ग्रो करती हैं एपेक्स पे, परमानेंट फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट एक्सेप्ट बूडी फर्न्स, यहाँ पे कुछ बूडी फर्न्स का एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल एंजियोपिटेरिस मैरेटिया, मोस्ट ट्रीडोफाइट हैव हार्बेसियस स्टेम लाइक रूट, द स्टेम आल्सो हैज़ परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्टली जो ट्रीडोफाइट्स होते हैं वो हर्बेसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह होता है, तो यहाँ पे कुछ बूडी ट्रीडोफाइट की बात की गई है, बूडी फंस की बात की गई है। उनका एग्जांपल है एंजियोपिटेरिस और मैरेटिया। इसके अलावा सारे जो होते हैं वो हर्बेसियस फॉर्म में होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, छोटे होते हैं, और इनका स्टेम लाइक रूट्स होता है, द स्टेम आल्सो हैज़ परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स, जो एपेक्स पर ग्रो करता है। नेक्स्ट है लीव्स आर स्केली, यानी कि इसकी लीव्स होती हैं वो स्केली होती हैं, और एग्जांपल इकोसीटम, आपने इकोसीटम का प्लांट देखा होगा जिसको हम लोग हॉस्टेल के नाम से भी जानते हैं, है ना, जोड़ा तोड़ा भी कहते हैं कॉमनली। स्मॉल एंड सेसाइल, जो छोटी होती हैं और सेसाइल होती हैं, सेसाइल मतलब एक ही जगह पर जिनमें मूवमेंट नहीं होता, स्थिर होती हैं, दैट इज़ नॉन एज सेसाइल। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सिलेजिनेला और लार्ज पेट्यूल एंड कंपाउंड। पेट्यूल एंड कंपाउंड एग्जाम्पल फर्न, तो बेटा लार्ज पेट्यूल पाया जाता है, यानी कि लीफ्स को जोड़ने के जो स्टेम और लीव्स के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम लोग जो होते हैं पेट्यूल बोलते हैं, जो कंपाउंड लीफ के फॉर्म में फर्म में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर ट्रीडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू, हम लोग जो हैं लीफ स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रीडोफाइट को दो भागों में क्लासीफाइड कर सकते हैं, माइक्रोफिलस ट्रीडोफाइट विद सिंपल लीव हैविंग ए सिंगल वेन। जो माइक्रोफिलस ट्रीडोफाइट होते हैं उनमें सिंपल लीव पाई जाती है, हैविंग सिंगल वेन, जिसमें सिंगल वेन होती है, विच डू नॉट फॉर्म लीफ गैप इन द स्टेम स्टील, इनके स्टेम स्टील के बीच में कोई लीफ गैस गैप नहीं पाया जाता है, एग्जांपल इक्विसीटम। ठीक है, अगला है लाइकोपोडियम सिलेजिनेला एंड मेगा स्पोरोफिलस, ये इनका दूसरा जो है डिवीज़न है, मेगा स्पोरोफिलस ट्रीडोफाइट विद लार्ज पिनेटिफाइड लीफ।
इसमें बड़ी लीप्स पाई जाती हैं जो पिनेटिफाइड होती हैं, हैविंग ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ बेंस, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सीरीज पाई जाती है बेंस की, दे फॉर्म प्रोमिनेंट लीफ गैप इन द स्टेम स्टील, और इनके जो स्टेम स्टील होती है उसमें प्रोमिनेंट लीफ गैप पाया जाता है, एग्जाम्पल पिटेरिस और ड्रायोपिटेरिस लैस्ट्रिया, तो इनमें जो होता है लीफ गैप परमानेंट पाया जाता है, ठीक है। अगला है स्टेम इज़ यूजली ब्रांच, इनका स्टेम जो होता है यूजली ब्रांच्ड होता है, द ब्रांचिंग इज़ मोनोपोडियल, तो ब्रांचिंग जो होती है कभी कभी मोनोपोडियल होती है, मोनोपोडियल मतलब सिंगल, मोनो माने एक, और डाइकोटोमस जिसमें दो ब्रांचिंग होंगी वो डाइकोटोमस कहलाता है। द ब्रांचेस डू नॉट अराइज फ्रॉम द लीफ एक्साइल या एक्सिलरी, इनकी ब्रांचें जो होती हैं वो लीफ एक्साइल से नहीं मिलती हैं या नहीं निकलती हैं, एज इन स्पर्मेटोफाइट्स, ऐसा स्पर्मेटोफाइट्स में होता है। लीव्स एंड स्टेम पॉसिस फिलीफॉर्म, यानी कि वो फिलीफॉर्म में पॉसिस होती हैं या पाई जाती हैं। ट्राइकोम्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं, जो स्टोमेटा के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऑन बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीव, जो इसकी लीव्स की दोनों सरफेस पे पाई जाती है, अपर सरफेस या लोअर सरफेस। रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, इसके रूट और स्टेम में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लोएम रूट और स्टेम में पूरी तरीके से विकसित फॉर्म में पाए जाते हैं। कैम्बियम इज हाउएवर एब्सेंट एंड हैंस दे डू नॉट सो सेकेंडरी ग्रोथ, और ट्रिडोफाइट्स की जो कैम्बियम होती है रूट और स्टेम में वो एब्सेंट होती है, इसीलिए इनमें जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती या सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होती है। बट स्टेम ऑफ फ्यू लिविंग ट्रिडोफाइट्स, एग्जाम्पल बॉटरीटियम आइसोइड्स, डू नॉट सो सेकेंडरी ग्रोथ रेगुलरली, तो यहाँ पे जो है कुछ ट्रिडोफाइट के नाम दिए गए हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ रेगुलरली शो नहीं होती है। द स्टील इज़ ए प्रोटोस्टील, इनकी जो स्टील होती है वो प्रोटोस्टील होती है, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, सिफोनोस्टील एग्जाम्पल एपिसीटम ऑफियोग्लोसम पेंडुलम बॉटरीचियम डिक्टियोस्टील पिटेरिस नेफ्रोलेप्सिस और पॉलिस्टीचियम, और पॉलीसाइक्लिक स्टील एग्जाम्पल एंजियोपिटेरिस और मैराटिया, तो इसमें तीन चार तरह की स्टील पाई जाती है, उन सब के मैंने एग्जाम्पल आपको अलग अलग बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा क्योंकि स्टील से क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आता रहता है। द जाइलम इज़ मेड अप ऑफ ट्रेचाइट, इनका जो जाइलम होता है वो ट्रेचाइट से बना होता है, एंड द फ्लोएम इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेब सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली, हाउएवर वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, इनके कुछ मेंबर्स में वेसल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पिटेरिस बिटेटा पिटेरियम एक्विलिनम नेफ्रोप्सिस कार्डिफोलिया एक्टिनोपिटेरिस रेडिएटा, प्रेजेंस ऑफ सेप ट्यूब्स, यानी कुछ में सेप ट्यूब्स भी पाई जाती हैं, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द फ्लोएम ऑफ इकोसिस्टम अर्बेंस एंड इकोसिस्टम जिगेंटियम, क्लियर। द फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज रेस्ट्रैक्टेड मेनली टू लीव्स, इनमें जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है वो मेनली लीव में पाया जाता है, इन मेगा स्पोरोफिलस लीव्स, जिसे हम लोग मेगा स्पोरोलीव्स कहते हैं। द इंटरनल टिश्यू इज डिफरेंटिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पेलिसाइड सेल्स, उनका जो इंटरनल टिश्यू होता है वो बटा होता है स्पॉन्जी एंड पेलिसाइड सेल्स में। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली वो स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है बेटा, ये आप याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, और वो स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं, तो उसको हम स्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं स्पोरेंजिया को। द स्पोरेंजिया आर यूजली वॉर्न इन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ, वो स्पोरेंजिया जो होती है पाई जाती है कहाँ, वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ पे पाई जाती है, क्लियर। बट सम मेंबर्स एग्जांपल ऑफियोग्लोसम, यानी ऑफियोग्लोसम एक मेंबर है, ए फर्टाइल स्पाइक, उसमें फर्टाइल स्पाइक पाई जाती है बीरिंग स्पोरेंजिया
अराइज फ्रॉम द एक्साइल ऑफ द लीफ। तो एक्साइल मतलब ऊपर वाले पार्ट पे पाई जाती है लीफ पे, इन साइलोटम एंड फॉसिल मेंबर्स। इसके कुछ फॉसिल मेंबर्स भी हैं, एग्जांपल राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, स्पोरेंजिया आर काउलाइन। इनमें जो स्पोरेंजिया पाई जाती है, जो इसके फॉसिल मेंबर हैं, वो कॉलाइन फॉर्म में पाई जाती है। इन एक्वाटिक फॉर्म लाइक एजोला, आइसोइट्स, साल्विनिया एंड मार्सिलिया स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट विद इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प। ये बेटा स्पोरोकार्प बहुत पूछा जाता है कि स्पोरोकार्प किस में पाया जाता है, तो स्पोरोकार्प मेनली जो है आपके सिलेबस में मार्सिलिया दिया हुआ है, मार्सिलिया में पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग स्पोरोकार्प कहते हैं। क्लियर। प्लांट्स आर आइदर होमोस्पोरस, यानी कि टिडोफाइट्स जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, कुछ में एक टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि किसी होमोस्पोरस टिडोफाइट का नाम बताइए, तो जिसमें सिंगल स्पोर्स होगा, एक ही तरह के सारे स्पोर्स होंगे, उन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। तो वो जो है हमारा, उसका एग्जाम्पल है इकिसीटम और लाइकोपोडियम। ठीक है, होमोस्पोरस क्या है हमारा, इकिसीटम और लाइकोपोडियम है, जिसमें एक ही तरह के सारे स्पोर्स बनते हैं, और दूसरे होते हैं हाइड्रोस्पोरस। तो हाइड्रो माने होते हैं आसमान, जिसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगा स्पोर होगा। तो उनका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया। इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, दैट इज नॉन एज हाइड्रोस्पोरस, जिसमें एक तरह के बनते हैं, नॉन एज होमोस्पोरस। क्लियर। नेक्स्ट है लीव्स बीरिंग स्पोरेंजिया, यानी लीव्स पे जो है स्पोरेंजिया पाई जाती है, और नॉन एज स्पोरोफिल्स। तो जिस लीव पे स्पोरेंजिया पाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल्स विद मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। तो जिस पे बिग फॉर्म में मेगा स्पोरेंजिया पाई जाएगी, मेगा माने बड़ी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, जिस पे मेगा स्पोरेंजिया पाई जाती है। एंड विद माइक्रो स्पोरेंजिया एज माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिस पे छोटी बॉडी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो जहाँ पे छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी, स्मॉल बनेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन, और हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हैं, जो अभी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी या जो करेक्टर पढ़ाए थे उनके एग्जाम्पल जो हम आपको दे रहे थे, उनके कुछ डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एजोला है, ये हमारा पहला, जो पहला डायग्राम है ये हमारा एजोला है, दिस इज एजोला। दूसरा वाला जो है हमारा ये इकोसिस्टम है, बी जो है मार्सिलिया है, जिसको हम लोग एम्फीबिया ऑफ टिडोफाइट के नाम से भी जानते हैं, जो जल और थल दोनों में मिलती है। और हमारा अगला वाला जो है एजियोपिटेरिस है, ये वाला, और आप देख रहे हैं अगला डायग्राम हमारा आइसोइट्स है ये। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, और ये जो डायग्राम है हमारा सी जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा हॉस्टेल, जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे जोड़ा तोड़ा, या उसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। तो इनसे जो जितने भी मैंने अभी आपको करेक्टर्स बताए हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है मैंने आपके लिए। ठीक है बेटा, ये सिलेजिनेला, सॉरी सी वाला जो है सिलेजिनेला है, और ये वाला लास्ट वाला जो डायग्राम है हमारा डी वाला, ये जो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को ही हम जो है जनरली जोड़ा तोड़ा या हॉस्टेल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हॉस्टेल के नाम से किस ट्रिडोफाइटा को जाना जाता है, तो ये जो ट्रिडोफाइटा है हमारा, इसको हम लोग हॉस्टेल के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, आई होप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे सेकेंड सेम का, तो आपसे वहाँ पूछे जाता है डिस्क्राइब द जनरल करेक्टर ऑफ ट्रिडोफाइट। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर अपने बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करा है, जो कि एक CBSE पैटर्न की बुक से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ही अच्छे राइटर के ये बुक है, और वहाँ से मैंने अपनी भाषा में आपको बहुत सरल शब्दों में दिया है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही देखते रहिएगा दोस्तों अपना चैनल। और मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हम जो टॉपिक देखें उसको लाइक और शेयर जरूर करा करें। और आपका जो भी इस पर जो राय रहती है वो हमें दीजिएगा कि हमारा लेक्चर कैसा लगा, या इसमें कोई कमी आपको लग रही हो कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा, फिर कोई एक छोटा सा टॉपिक जो आपके सेकेंड सेम से होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।